वेलकम टू एग्जाम थ्योरी थे एम टी में टोटल आपके एग्जाम उनचालीस शिफ्ट में कराए गए थे जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे तो आज हम लोग इस वीडियो में 16 आठ 2019 के शिफ्ट थ्री के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ये जो है टोटल आपके इतने शिफ्टों में जो है एस एस सी के एग्जाम कराए गए थे जिसके दो आठ दो के शिफ्ट वन से लेकर के आपके सोलह आठ दो हजार के शिफ्ट टू तक के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस चैनल पर करा दिए गए हैं तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो आज हम लोग इस वीडियो में सोलह आठ दो के शिफ्ट थ्री के सारे मैथ के प्रश्नों के सोल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे तो चलिए भर्ती आज के की ओर देखेंगे क्वेश्चन नंबर एक यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रथम पूर्ण प्रथम बीस पूर्ण संख्याओं का माध्य यानी कि मीन क्या होगा और आपका पूर्ण नंबर आपका क्या होता है होल नंबर हो जाता है आपका क्या होता है पूर्ण नंबर होल नंबर होता है तो पूर्ण नंबर यानी कि होल नंबर जो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने से शुरुआत होते हैं तो होल नंबर आपका जीरो से शुरुआत होता है जीरो एक दो तीन चार इस तरीके से यहां पर बोला जा रहा है कि बीस पूर्ण संख्या तो कितने तक जाएगा यह नंबर उन्नीस तक जाएगा क्योंकि जीरो भी क्या है एक संख्या है तो यहां पर टोटल इधर से उन्नीस नंबर आ जीरो एक संख्या यानी कि टोटल यहां पर कितना हो जाएगा बीस संख्याएं हो जाएंगी तो यहां पर अगर हमें क्या चाहिए माध्य यानी कि औसत निकालना हमें है तो अगर औसत निकलेगा तो उसमें जीरो का कोई भी वेल्यू नहीं होगा यानी कि हमें जो औसत निकलेगा वो एक से लेकर उन्नीस तकों का यानी कि एक से लेकर लगातार प्राकृतिक संख्याओं के 19 तक का जो है क्या निकलेगा औसत निकलेगा तो हमें पता होना चाहिए कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य यानी कि औसत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है यन बाई टू होता है आपका क्या हो जाता है यहां पर नंबर ऑफ टर्म होता है क्या हो जाता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स हो जाता है यानी कि आपका जितनी संख्या है तो यहां पर टोटल जो है कितनी संख्या है? एक से उन्नीस तक को हम लोगों का जो है लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना यानी कि यन का यहां पर वैल्यू कितना हो जाएगा उन्नीस हो जाएगा तो यहां पर हम लोग औसत निकाल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा उन्नीस बटा दो यानी कि हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा नाइन पॉइंट फाइव आएगा तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा तो आपको हमेशा याद रखना है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का अगर माध्य यानी कि औसत निकालना है तो फार्मूला होता है येन बाई टू देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दो यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर पंद्रह है और उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक तीन और एक सौ आठ है तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनके व्युतकर्म यानी कि ऋषु प्रोकल के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए यह आपसे पूछा जा रहा है तो यहां पर जो है सबसे पहले जो है आपको पता होना चाहिए कि अगर जो है कोई भी संख्या मान लीजिए एक संख्या क्या है यक्स है एक संख्या हम लोगों ने क्या मान लिया यक्स है दूसरी संख्या क्या है वाई है दोनों संख्याओं का जो है दोनों संख्याओं का रेसिप्रोकल यानी कि वन बाई यक्स माइनस वन बाई वाई आपसे पूछा जा रहा है हम लोगों ने क्या किया एक संख्या यक्स मान लिया है दूसरी संख्या वाई मान लिया यानी कि और पूछा क्या जा रहा है उन दोनों का ऋषि प्रोकल यानी कि व्यूतकर्म यानी कि वन बाई एक्स माइनस वन बाई वाई का वेल्यू पूछा जा रहा है तो यहां पर अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा यक्स वाई यक्स वाई आपका हो जाएगा फिर वाई माइनस यक्स या फिर बोल सकते हैं दोनों संख्याओं का अंतर वाई माइनस यक्स तो यहाँ पर क्या हो गया ऊपर है दोनों संख्याओं का अंतर नीचे क्या है दोनों संख्याओं का गुणनज है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए और मैं काफी बार बता चुका हूं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्याओं का गुणनज किसके बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का एलसीएम और यस के गुना के बराबर होता है तो क्या हम लोग इन दोनों संख्याओं का गुनज की जगह पर यानी कि यक्स वाई के गुनज के जगह पर हम लोग यल और यश का गुना लिख सकते हैं क्योंकि यक्स एक संख्या थी वाई एक संख्या है यानी कि x पहली संख्या y दूसरी संख्या तो पहली और दूसरी संख्या के गुणज के जगह हम लोग यल्सियम और यश का गुणज का वेलू लिख सकते हैं और दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर कितना दिया गया पंद्रह दिया गया यानी कि हम लोग क्या करेंगे सिर्फ वेलू पुट करेंगे तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना है पंद्रह बटा दोनों संख्याओं का यशियफ और यम कितना था यशियफ आपका तीन था और यल्सियम कितना था एक था तो यहाँ पर हल करेंगे आपका कितना आएगा तीन पचे पंद्रह यानी कि हल करने पर आपका पाँच बट्टा एक सौ आठ आएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा तो ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तीन यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि पाँच विषयों पर एक परीक्षा आयोजित की गई जहाँ प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक सौ अंक थे यानी कि टोटल जो है अगर एक परीक्षा लिया जा रहा है तो उसका सॉन्ग थे या टोटल यहाँ पर जो है कितने परीक्षा लगी लिए गए वो आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आगे बोला गया है कि यक्ष ने जो है चार विषयों में क्रमशः बेरासी संतानवे अट्ठासी और इक्यानवे अंक प्राप्त किए यदि उसके कुल अंक जो है नब्बे थे तो पाँचवें विषय में उसने कितने अंक प्राप्त किए ये आपसे पूछा जा रहा है तो अगर यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर उसे मिलाकर कुल अंक मिलाकर जो है नब्बे प्रतिशत अंक प्राप्त होते हैं तो यह और यहाँ पर से हमें पता चला कि टोटल कितने विषय यहाँ पर है तो पाँच विषय है टोटल कितने विषय है पाँच विषय है तो यहाँ पर से हम लोग निकाल सकते हैं कि अगर जो है टोटल पाँच विषय है और एक विषय का अधिकतम अंक सौ अंक है तो पाँच विषयों का कुल अंक कितना हो जाएगा पाँच सौ कितना हो जाएगा 500 और बोला गया कि 500 का 90 प्रतिशत क्या प्राप्त करता अंक प्राप्त करता है तो 500 का 90 प्रतिशत कितना होगा तो 500 का 90 प्रतिशत सारे 400 अंक होगा कितना होगा 450 होगा यानी कि कुल मिलाकर उसने 450 अंक लाए हैं तो हमें जो है पाँचवा विषय में अंक जो प्राप्त किया उसका अंक निकालने के लिए हमें क्या करना होगा इन चारों के अंकों का योग सारे 400 में से माइनस करना होगा तो इन चारों के अंकों का योग कितना होगा तो जोड़ेंगे हम लोग तो सात दो नौ नौ, नौ आठ सत्रह सत्रह एक हाथ में एक नौ आठ सत्रह सत्रह आठ आपका हो जाएगा पच्चीस पच्चीस नौ चौतीस चौतीस एक पैंतीस यानी कि साढ़े चार सौ में से क्या करेंगे तीन सौ अंठावन जाएगा तो आपका कितना बचेगा बानवे यानी कि नाइनटी टू बचेगा तो यहां पर जो आपका फिफ्थ जो सब्जेक्ट है उनमें जो है कितना प्राप्त हुआ अंक करता है तो नाइनटी टू यानी कि बानवे अंक प्राप्त करता है देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चार यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि यदि किसी लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटर सरफेस एरिया 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए उनके वक्र बक्रपृ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए तो वक्र बक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है टू पाई आर एच होता है क्या होता है फॉर्मूला टू पाई आर एच होता है बेलन के वक्र बक्रप्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा मिन्सुरेशन पे अगर आप फॉर्मूला ध्यान नहीं रखेंगे तो आप कभी भी कोई भी मेन्सुरेशन का कोई भी मैथ हल नहीं कर पाएंगे जब तक आप मंस्योरेशन में फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो फार्मूला जरूर याद रखिएगा तो क्या करेंगे फॉर्मूला पे वैल्यू पुट करेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है आसानी से आपका आंसर आ जाएगा तो हल करेंगे हम लोग दो इंटू पाई है तो पाई को क्या लिख सकते हैं बाईस बटा सात त्रिज्या यानी कि आर ऊंचाई कितनी दी गई है दस सेंटीमीटर और टोटल वॉल्यूम यानी कि कुल सॉरी वॉल्यूम नहीं कुल वक्र प्री, प्रिक्षेद पल कुल नहीं वक्र क्षेत्रफल कितना दिया गया चार सौ चालीस सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया हल करेंगे यहाँ पर से आंसर आ जाएगा बयालीस दून बाईस जून यहाँ पर कितना होता है चौवालीस चौवालीस इंटू 10 तो चार तो चार से चार चला जाएगा तो आर बराबर आपका कितना आ जाएगा यहां पर से सात सेंटीमीटर आएगा यानी कि यहां पर से हमें पता चलता है कि बेलन की त्रिज्या की लंबाई कितनी है तो सात सेंटीमीटर है तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पांच यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई नाव जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उधर प्रभाव यानी कि अपश्चिम यानी कि धारा के विरुद्ध जो है नाव जो है चलती है तब 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होती है और जब धारा के साथ चलती है तब नाव की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्थिर जल में नाव की गति कितनी है तो जब आपका दोनों चाल दिया हो रहा है धारा के विरुद्ध और धारा के साथ चाल दिया हुआ रहे और आपसे जो है स्थिर जल में नाव की गति पूछे तो करना कुछ नहीं है दोनों का चाल का पहले क्या करेंगे योग कर देंगे क्या करेंगे योग करेंगे और क्या करेंगे फिर उसके बाद दो से भाग कर देंगे हल करेंगे आपका क्या निकल जाएगा हल करने पर आपके स्थिर जल में नाव की चाल निकल जाएगी तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा पचास बटा दो यानी कि पच्चीस किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगी आपकी नाव की चाल होगी तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर छः यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई मूल धन जो है साधारण ब्याज दर पर पाँच वर्षों में पचास प्रतिशत बढ़ जाती है समान ब्याज दर के साथ बीस हज़ार पर तीन वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया क्वेश्चन में कि पाँच वर्ष में कुल मिलाकर उसे जो है कितने प्रतिशत का ब्याज मिलता है तो पचास प्रतिशत का ब्याज मिलता है वर्षों में कितने प्रतिशत का ब्याज मिलता है कुल मिलाकर पचास प्रतिशत ब्याज मिलता है तो अगर पांच साल में पचास प्रतिशत है तो एक साल में कितना हो जाएगा तो भागा पाँच करेंगे तो भागा करेंगे आपका कितना है? दस प्रतिशत यानी कि एक साल में उसे दस प्रतिशत का ब्याज मिलता है तो अगर बोल रहा है कि इसी दर से तीन वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा तो सबसे पहले दस का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो आपका दस का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा एक बटा यानी कि यहां पर से पता चलता है कि कोई धनराशि अगर दस यूनिट की है तो उसे एक साल में एक यूनिट का ब्याज देना होगा अगर कोई धनराशि दस यूनिट है तो उसे एक साल में एक यूनिट ब्याज यानी कि उसे एक साल में कितना धनराशि लौटाना होगा ग्यारह यूनिट लौटाना होगा यानी कि ये आपका क्या है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन है इधर आपका क्या है अमाउंट यानी कि मिश्र धन है और ये जो आपका कितने सालों तक चलता है तो तीन सालों तक चलता है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पावर तीन कर देंगे क्या कर देंगे पावर तीन करेंगे या रेशियो में वैल्यू निकाल लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से एक हजार आएगा यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा एक तीन तीन एक आएगा यहाँ पर तीन वर्ष का है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्यूब किया अगर दो वर्ष करता है तो स्क्वायर करते अगर चार वर्ष करता तो यहाँ पर पावर फोर कर देते तो यहाँ पर जो हमें पता चला है कि कोई जो है मूलधन कितना यूनिट है रेशियो के हिसाब से एक हज़ार यूनिट है और अमाउंट यानी कि मिश्र धन कितना है तो तेरह यूनिट है तो यहां पर जो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर आपका क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूल धन होता है तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा तो यहाँ पर जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ जाएगा तो तेरह सौ इकतीस माइनस एक हजार करेंगे तो तीन सौ इकतीस यूनिट आपका क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया यहाँ पर से तो यहाँ पर से जो है फिर एक बार चीज बोला गया कि यहाँ पर कि आपका जो धनराशि है वो कितनी है बीस हजार है यानी कि इस एक हजार यूनिट का वैल्यू कितना है बीस हजार रुपये है तो अगर एक हजार यूनिट का वैल्यू बीस हजार है तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तीन शून्ना तीन शून्य चला गया तो एक यूनिट का वैल्यू बीस रुपये होगा तो हमें क्या चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए यानी कि हमें तीन सौ इकतीस यूनिट का वैल्यू चाहिए तो अगर एक यूनिट का वैल्यू बीस रुपये तो तीन सौ इकतीस यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे बीस से गुना कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा छः छः दो शूनना यानी हजार 6,620 सौ बीस रुपया क्या आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उस यानी कि बीस हजार मूलधन पर तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा देखिए इंग्लिश क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सात यहां पर क्वेश्चन में दिया गया ये जो आपका क्या है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो सिंपल सा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या किया जाता है ऑफ का हल किया जाता है तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दस आ जाएगा एक सुना चला जाएगा यानी कि पाँचों कितना हो जाएगा बीस यानी कि क्या करेंगे बीस इंटू छः आगे क्या है भाग है यानी कि छः बटा आठ इस तरीके से इसे लिखा जा सकता है इसे ब्रैकेट में रहने देंगे हम लोग आगे भाग है तो भाग का साइन दे देंगे फिर आपका क्या है बारह इंटू दस है भाग सोलह यानी कि इसे दस बटा सोलह लिख सकते हैं फिर आगे क्या है प्लस का साइन है तो प्लस दे देंगे यहां पर क्या है पाँच इंटू जीरो पॉइंट टू है पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा दस पाँच से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा दो बार में दो से दो चला गया यानी कि क्या बचा एक बचा तो एक कर देंगे माइनस आगे तो माइनस रहने देंगे पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा सौ दस का स्क्वायर करने पर कितना आता है सौ आता है तो सौ से सौ चला गया यानी कि एक आएगा यहां पर यानी कि माइनस एक आएगा तो प्लस एक माइनस एक चला गया इधर क्या करेंगे अब हल कर लेंगे तो इधर आपका आ जाएगा चार पच्चीस बीस चार दूनी आठ इधर से आपका चार तिया बारह चार चक सोलह दो से काटेंगे तो यहाँ पर पाँच यहाँ पर दो आएगा तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से आपका और चार आए तो यहाँ पर आपका दो तिया छः यानी कि यहाँ पर गुना करेंगे तो ऊपर कितना बचा पाँच तिया पंद्रह नीचे आपका कुछ भी नहीं बचा आगे क्या है भाग का साइन है फिर आपका क्या बताया पाँच तिया पंद्रह बट्टा दो बचता है तो आगे इसे हल करेंगे तो पंद्रह भाग को जब गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली जो संख्या होती है वो क्या क्या हो जाती है ऋषि प्रोकल यानी कि व्युतकर्म हो जाती है यानी कि उल्टा हो जाती है तो जब भाग को गुना में चेंज करेंगे तो अगर पंद्रह बट्टा दो है तो क्या हो जाएगा दो बट्टा पंद्रह हो जाएगा हल करेंगे पंद्रह पंद्रह चला गया तो आपको सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर कितना आंसर आएगा तो यहां पर आपका दो आंसर आएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन तो नंबर टू बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आठ यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नवंबर माह में एक कला प्रदर्शनी आयोजित की गई सप्ताह की कार्य दिवसों वीक डेज और सप्ताहांत वीकेंड पर आने वाले आगंतुकों की औसत संख्या क्रमशः 750 और ४५० थी यदि माह का पहला दिन सोमवार था तो माह में आगंतुकों की औसत संख्या यानी कि एवरेज नंबर कितनी थी आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है बोला गया कि सप्ताह के जो वीकेंड है तो वीकेंड आपका क्या हो जाता है एक तो आपका संडे हो जाता है एक आपका सैटरडे ये आपका क्या होता है वीकेंड होता है और सप्ताहक जो होता है जो वीक एंड होता है वो आपका क्या होता है मंडे से लेकर मंडे से लेकर फ्राइडे यानी कि सोमवार से लेकर आपका शुक्रवार तक होता है तो यहाँ पर जो है बोला गया है और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि नवंबर में जो है नवंबर में कुल कितने दिन होते हैं तो नवंबर में आपके यहाँ पर तीस दिन होते हैं कितने होते हैं थर्टी डेज होते हैं और यहाँ पर जो है ऐसे जो है कितने संडे और कितने शनिवार आएंगे तो यहाँ पर बोला गया है कि माह जो है किस दिन से शुरुआत होता, तो होता है तो सोमवार यानी कि मंडे से शुरू होता है तो यहाँ पर आपका जो है संडे भी चार बार आएगा संडे जो आपका कितने बार आएंगे तो संडे आपके चार बार आएंगे और आपके सैटरडे यानी कि शनिवार भी चार बार आएंगे यानी कि आपका बीग डेज जो है बिग डेज जो है कितने दिन का रहेगा तो टोटल आपका आठ दिन रहेगा और आठ दिन में जो है आने की आगंतुकों की औसत संख्या कितनी है सात सौ पचास है और बच बाकी बचा आपका साप्ताहिक जो है वो आपका कितने दिन रहेगा तो टोटल तीस दिन था उनमें से आठ दिन आपका क्या है बिग डेज है तो वीकेंड आपका कितना हो जाएगा बाईस दिन का होगा तो यहाँ पर जो है बोला गया कि 750 सौ पचास सात की औसत संख्या किस दिन रहती है बिग डेज में रहती है और ऐसे जो है कितने दिन है तो आठ दिन है तो अगर गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका कि उन जो है बीग डेज में कुल कितने एक महीने में आदमियों की संख्या आती है यानी कि अगुंतुकों की संख्या टोटल है तो गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहां पर से पचहत्तर दुनिया डेढ़ सौ पंद्रह चौक साठ यानी कि यहां पर से छह हजार आ जाएगा आ जाएगा आपका फिर जो आपका बोला गया साप्ताहिक जो है कितने दिन है बाईस दिन है प्रत्येक दिन का औसत आगंतुकों की संख्या कितनी है चार सौ पचास है गुना करेंगे तो आपका कुल संख्या निकल जाएगा तो गुना करेंगे तो पैंतालीस जूनी नब्बे पैंतालीस जूनी नब्बे यानी कि नौ सौ नब्बे यानी कि निन्यानबे सौ आपका आ जाएगा दोनों का क्या करेंगे हमें औसत चाहिए तो पहले इनका योग निकालेंगे तो योग आपका कितना हो जाएगा नौ छह पंद्रह यानी कि पंद्रह हजार नौ सौ औसत चाहिए तो टोटल नवंबर में कितने दिन होते हैं तीस दिन तो तीस दिन से क्या कर देंगे भाग कर देंगे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहां पर से तो सुनना सुना चला गया तीन से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा तीन पचे पंद्रह तीन तीन नौ जीरो यानी कि कुल मिलाकर आने वाले नवंबर में अगंतुकों की औसत संख्या कितनी है तो पांच है तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नौ यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी राशि पर सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज सात सौ रुपये है तो मूलधन कितना होगा मैं काफी बार आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी मूलधन खुद में जो है सौ प्रतिशत होती है और मैंने जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी एक जो है फुल फ्लेज वीडियो बनाया था जो कि आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं मैंने उस वीडियो में सारे डाउट आपका क्लियर कर दिया था एसआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड तो यहाँ पर जाके आप इस तरीके के प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे अगर आप उस वीडियो को पूरा देखते हैं तो तो चलिए इस प्रश्न को हल कर लेंगे हम लोग तो यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल खुद में यानी कि मूलधन खुद में सौ प्रतिशत होती है फिर जो है यहाँ पर बोला गया कि जो आपका दर है प्रति वर्ष उस कितने प्रतिशत का दर है सात प्रतिशत और कितने समय तक जो है ये साधारण ब्याज लगता है तो पांच वर्षों तक लगता है तो अगर एक साल का साधारण ब्याज सात प्रतिशत है तो पांच साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा सात पचे पैंतीस प्रतिशत होगा और 35 प्रतिशत का यानी कि कुल साधारण ब्याज का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया गया सात सौ दिया गया हल करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा पैंतीस दूनी सत्तर यानी कि बीस प्रतिशत यानी कि यहाँ पर से एक परसेंट का वैल्यू कितना आ रहा है बीस रुपये आ रहा है तो अगर एक परसेंट का वैल्यू बीस रुपये है तो सौ परसेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा दो हज़ार होगा क्योंकि इसमें सौ गुना कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा मूलधन निकल जाएगा तो एक परसेंट का वैल्यू बीस रुपये है तो सौ परसेंट का वैल्यू बीस दें दो हजार होगा बीस इंटू सौन सौ तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर दस यहां पर क्वेश्चन में दिया गया कि दो संख्याओं का योग और अंतर कितना है सत्ताइस और तीन है तो ये आपका दोनों संख्याओं का योग है और ये आपका दोनों संख्याओं का अंतर है तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो में वेलू क्या होगा तो दोनों संख्याओं का जो है दोनों संख्याओं को अलग अलग निकालने के लिए क्या करेंगे एक संख्या पहले निकालने के लिए इन दोनों का योग का आधा कर देंगे पहले जो है पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों का योग का आधा कर देंगे तो सताइस और तीन कितना होता है तीस तीस का आधा कितना होगा पंद्रह तो पंद्रह आपकी क्या हो जाएगी पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों का अवर डिफरेंस कर देंगे पहले बार में क्या किया था योग करके आधा फिर दूसरे बार में यानी कि दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस का आधा कर देंगे यानी कि अंतर का आधा तो अंतर आपका कितना आएगा तेईस माइनस सॉरी तेईस सत्ताईस माइनस तीन तो आपका कितना आएगा चौबीस चौबीस का आधा कितना हो जाएगा बारह और यही दोनों संख्याओं का क्या पूछा जा रहा है रेशियो यानी कि अनुपात पूछा जा रहा है तो अनुपात निकाल लेंगे तीन पचास कितना होगा पंद्रह तीन चौ कितना होगा बारह यानी दोनों संख्याओं का अनुपात में वैल्यू कितना आएगा पांच अनुपात चार आएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ग्यारह यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि एक व्यक्ति ने जो एक हजार रुपये में कमीज और दो हजार रुपये में एक जोड़ी जो है पतलून खरीदी कमीज़ और पतलून पर दी गई छूट क्रमशः जो है बीस प्रतिशत पचास प्रतिशत है तो आपसे पूछा जा रहा है कि कुल मिलाकर उसे जो है कितनी छूट दी गई है आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ पर एक तरीके से जो है सबसे सिंपलिस्ट फॉर्म लगाएंगे किस तरीके से इसे जो है हल कर सकते हैं आपका जो है सिंपल तरीके से अगर आप परसेंट से निकालेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर परसेंट से नहीं कुछ और तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पर जो है बोला गया कि यहाँ पर जो है कमीज कमीज जो है कितने में यहाँ पर कमीज़ इस तरीके से के से हम लोगों ने डिनोट कर दिया कितना एक हज़ार रुपये का और फिर आपका बोला गया पतलून पतलून जो है कितने का है? दो हज़ार का है दोनों का रेशियो में वैल्यू कितना हो जाएगा एक अनुपात दो फिर जो है बोला गया कमीज़ को जो है बीस प्रतिशत का छूट दिया गया और पतलून पर जो है पचास प्रतिशत का छूट दिया गया तो ओवरऑल छूट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहां पर पहले बीस से एक में गुना करेंगे तो बीस दहें एक यानी बीस इंटू एक करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा बीस प्रतिशत प्लस पचास दूनिक करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा सौ प्रतिशत यानी कि ये आपका ओवरऑल प्रतिशत तो कुल छूट निकालने के लिए क्या करेंगे फिर ये जो रेशियो में वेलू आया उनका क्या करके योग करके भाग कर देंगे तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर कमीज का जो है एक यूनिट है पजामा का कितना दो यूनिट है कुल कितना हो जाएगा तीन यूनिट हल करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा ओवरऑल छूट यानी कि ओवरऑल डिस्काउंट आपका निकल जाएगा तो यहाँ पर हल करेंगे कितना हो जाएगा एक सौ बीस बटा तीन प्रतिशत होगा तो आपका कितना आ जाएगा तीन चौक बारह यानी कि चालीस यहाँ पर कितना जाएगा? हो जाएगा चालीस प्रतिशत आपका ओवरऑल डिस्काउंट होगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा ये तो आपका हो गया शॉर्टकट तरीका अगर आप इसे बीसिक से बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि एक हजार रुपये पर कितना बीस प्रतिशत का छूट देता है तो एक हजार का बीस प्रतिशत कितना होगा तो दो सौ रुपये होगा एक हज़ार का बीस प्रतिशत कितना होगा दो सौ होगा और दो हजार का पचास प्रतिशत कितना होगा तो एक हजार रुपये होगा तो कुल छूट कितना हो जाएगा कमीज पर दो सौ रुपया पतलून पर एक हजार रुपया छूट यानी कि कुल छूट कितना मिल गया बारह सौ रुपया कुल छूट मिल गया और कुल मिलाकर कितने की धनराशि पर छूट मिला तो एक हज़ार आपके कमीज का दाम था और दो हजार आपके पतलून का दाम था तो कुल कितना दाम हो जाएगा तीन हजार क्योंकि तीन हज़ार रुपये पे यानी कि कुल दाम पर ही आपकी छूट दी गई परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे सौ से गुना करेंगे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर से तो हल कर लेते हैं दो शून्य दो शून्य चला गया एक शून्य यहाँ पर से चला जाएगा तीन चौक बारह चला गया चार इंटू दस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा चालीस प्रतिशत आएगा तो यहाँ पर से भी आपका ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा तो या तो आप इस तरीके से बना सकते हैं या फिर बेसिक तरीका से भी बना सकते हैं देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बारह यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि तीस दर्जन नट जो है चौदह हजार चार सौ रुपए में खरीदे गए और बत्तीस पैकेट अखरोट जो है जो कि प्रत्येक पैकेट में बीस अखरोट है उसको जो है खरीदने में संतावन हजार छह सौ रुपया लगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि अखरोट को मिलाकर एक पैकेट में पाँच के हिसाब से चार सौ बत्तीस रुपये में बेचा गया तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले जो है एक अखरोट का एक अखरोट का क्या निकाल लेंगे करे मूल निकालेंगे तो करे मूल्य क्या निकालेंगे करे मूल निकालने से पहले हम लोगों का टोटल जो आपका खर्च आया है वो निकालेंगे यानी कि खरीदने में जो खर्च आती है आई है वो पैसा निकालेंगे कुल तो क्या करेंगे संतावन हज़ार छः सौ में चौदह हजार चार सौ को योग करेंगे तो योग करने पर आपका कितना आएगा यहाँ पर छह चार दस यानी कि तीन शून्य और इधर से सात चार ग्यारह एक बारह पाँच एक छत यानी कि कितना हो जाएगा बहत्तर हजार टोटल रुपये होगा जो कि उसे खरीदने में खर्च किया गया फिर जो हमें क्या एक अखरोट का दाम निकालना है तो हमें टोटल अखरोट का भी वैल्यू चाहिए यानी कि टोटल कितने अखरोट है वो भी हमें चाहिए तो यहाँ पर पहले बोला कि यहां पर से तीस दर्जन अखरोट खरीदे यानी कि एक दर्जन में कितना अखरोट होगा बारह और जो है ऐसे कितने दर्जन खरीदे तो तीस दर्जन खरीदे तो कुल जो है यहाँ पर से अखरोट कितना हो जाएगा तो बारह छत्तीस यानी कि तीन सौ साठ अखरोट होगा फिर यहाँ पर बोला गया कि बत्तीस पैकेट अखरोट खरीदे गए और प्रत्येक पैकेट में बीस अखरोट है तो अगर एक पैकेट में बीस अखरोट है तो कुल जो है सॉरी यहाँ पर आपका थोड़ा सा यहाँ पर जो है आपके जो है अगर एक पैकेट में बीस अखरोट है तो बत्तीस पैकेट में जो आपका टोटल अखरोट कितना हो जाएगा यहां पर से तो चौसठ यानी कि 640 अखरोट होगा यानी कि यहां पर आपका 640 अखरोट खरीदा गया यहां पर आपका 360 अखरोट खरीदा गया तो टोटल कितने अखरोट खरीदे गए तो 640 सौ प्लस यानी कि कुल मिलाकर 1000 अखरोट खरीदे गए यहां पर अगर कुल रुपये में से कुल अखरोड़ को भाग कर देंगे तो क्या निकल जाएगा एक अखरो का दाम निकलेगा तो तीन सुना तीन सुना चला गया तो यहां पर से एक अखरो का दाम कितना आ गया बहत्तर आ गया क्या आ गया आपका बहत्तर रुपया फिर यहां पर से ये आपका क्या है एक अखरो खरीदा गया मूल है यहां पर से उसे बेचा कितने में गया एक अखरो को वो निकालेंगे तो यहाँ पर बोला गया कि पांच अखरोड़ को चार में बेचा तो एक अखरोड़ को कितने में बेचा वो निकालने के लिए क्या करेंगे चार सौ बत्तीस करेंगे तो यहाँ पर से आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से पॉइंट में वैल्यू आ गया तो पॉइंट में लाने की जरूरत नहीं है इनका हम लोग क्या निकाल लेते हैं रेशियो निकाल लेते हैं जिससे जो है आपको कैलकुलेशन आसानी हो ये आपका क्या है ये आपका एक अखरोट का सीपी है और ये आपका क्या है एक अखरोट का यस पी है तो दोनों का क्या निकाल लेते हैं रेशियो में वैल्यू निकाल लेते हैं जिससे आगे कैलकुलेशन में आसानी हो तो कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर बारह छक बहत्तर बारह या छत्तीस चार तीन हजार बारह सौ बहत्तर छह बार में चला जाएगा यानी कि सी पी और एस पी का रेशियो कितना आ गया 5 अनुपात छह आ गया यानी कि यहां पर से पता चल रहा है कि एक करोड़ का दाम यूनिट में पांच यूनिट दाम है उसे बेचा कितने में गया छह यूनिट में बेचा गया यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा यहां पर मैंने सिर्फ कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या किया इसे रेशियो में बदल दिया ताकि आपको जो है ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े वरना आपको पॉइंट में वैल्यू निकालिएगा फिर माइनस करेंगे फिर आपका परसेंट भी निकालने में दिक्कत होगा इसलिए मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन आसान करने के लिए रेशियो में इसे बदल दिया है तो ये आपका एक अखरोड़ का क्रयमूल था ये आपका एक अखरोड़ का सी पी था हल किया तो एक अखरोड़ का क्रयमूल कितना यूनिट आया पाँच यूनिट और एक अक्रोड का विक्रयमूल छह यूनिट आया, यानी कि पांच का सामान छ में बेचा जा रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है एक यूनिट का लाभ लाभ हो रहा और सौ काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा बीस बार में यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंट ट्वेंटी परसेंट आएगा तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर तेरह यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक लगातार तीन वर्षों तक क्रमशः चौसठ रुपये अस्सी रुपये और तीन सौ बीस रुपये प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल खरीदता है यदि वह पेट्रोल खरीदने में हर वर्ष जो है बत्तीस हजार रुपये खर्च करता है तो पेट्रोल का प्रति लीटर औसत मूल्य कितना है ये आपसे पूछा जा रहा है यानी कि पेट्रोल की जो है हर एक साल यहाँ पर कीमत जो है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है लेकिन हर एक वर्ष जो है खरीदे गए पेट्रोल की टोटल कीमत पर वो जो है कोई भी बदलाव नहीं करता यानी कि जितना वो जो है पहले साल में यहाँ पर खर्च कर रहा था वो उतना ही वो जो है कुल मिलाकर एक साल में वो तीसरे साल के अंत में भी कर रहा है यानी कि वो क्या कर रहा होगा यहाँ पर वो पेट्रोल कम खरीद रहा होगा तो यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना होगा कि उसने जो है इन तीन सालों में मिलाकर कुल कितने पेट्रोल खरीदे हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर हर एक बार में यानी कि बत्तीस हजार को क्या करेंगे सबसे पहले चौसठ से भाग देंगे तो बत्तीस हजार को अगर चौंसठ से भाग देंगे तो यहाँ पर आपका क्या निकल जाएगा इस साल में जितना जो है पेट्रोल की जो है खपत की गई है वह हमें पता चल जाएगी तो यहाँ पर क्या करेंगे बत्तीस हजार भागा चौसठ करेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा छह पचे तीस चार पचे बीस यानी कि यहाँ पर से कितना आ जाएगा पांच सौ लीटर आएगा यानी कि इस इस दौरान जो है मान लीजिए यहाँ पर तीन साल है तो टोटल यहाँ पर जो है पहले साल में यहाँ पर कितना पाँच लीटर खर्च किया गया फिर जो है दूसरा साल में अबर पेट्रोल का दाम कितना हो गया अस्सी रुपये प्रति लीटर हो गया लेकिन अब भी जो है बत्तीस हजार रुपये एक साल में खर्च किया जा रहा है तो एक साल में कुछ कुल जो है कितना लीटर खर्च किया होगा पेट्रोल तो यहाँ पे बत्तीस हजार भागा अस्सी करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा आठ चौ बत्तीस यानी कि चार सौ लीटर खर्च किया होगा फिर तीसरा में अगर फिर से पेट्रोल का दाम 320 हो गया तो कितना लीटर पेट्रोल खर्च किया होगा तो बत्तीस हजार भागा तीन सौ बीस करेंगे तो अब कितना आ जाएगा 100 लीटर आएगा यानी कि यहाँ पर से पता चलता है कि पहले साल में 500 लीटर दूसरे साल में 400 लीटर और तीसरे साल में 100 लीटर का जो है खर्च किया जाता है तो कुल मिलाकर कितना इन तीन सालों में खर्च किया गया तो 1000 लीटर पाँच चार नौ एक दस यानी कि 1000 लीटर खर्च किया गया है और टोटल जो है इन तीन सालों में कितने रुपये खर्च किए तो अगर एक साल में कितना बत्तीस हजार खर्च किया तो तीन साल का कुल खर्च निकालने के लिए इन टू तीन कर देंगे तो ये आपका कुल खर्च आ गया तीन सालों का जो कि पेट्रोल पर खर्च किया गया और पेट्रोल की औसत कीमत निकालने के लिए क्या करेंगे हजार लीटर से भाग कर देंगे हल करेंगे आपका पेट्रोल का जो है औसत मूल्य आ जाएगा तो हल कर लेते हैं तीन शूना तीन शून्य चला गया बत्तीस ती आपका कितना हो जाएगा छियानवे यानी कि जो पेट्रोल का औसत मूल्य होगा उन्नी तीन सालों में वो हो, कितना होगा छियानवे रुपये प्रति लीटर होगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौदह यहाँ का क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है यहाँ पर ग्राफ में दिया गया है कि किसी फर्म के पिछले वित्तीय वर्ष के अनुमानित राजस्व और विभिन्न खर्चों को दर्शाया गया है यदि आगामी वित्तीय वर्ष की लाभ मार्जिन जो है 20 प्रतिशत अनुमानित है तो आपसे पूछा जा रहा है कि अनुमानों के अनुसार मार्जिन में जो है कितना प्रतिशत जो है परिवर्तन आएगा यानी कि लाभ में जो है कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा लाभ मार्जिन में तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया राजस्व में जो है राजस्व में यहाँ पर दिया गया कि आपका राजस्व जो है कितना है तीस हजार रुपये है? है तीस हजार रुपये है और फिर जो यहाँ पर अलग अलग जो यहाँ पर क्या दिए गए हैं खर्च दिए गए तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो है खर्च और यहां पर राजस्व में कितना मार्जिन है तो पहले हम लोग कुल खर्च को जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कुल खर्च है पंद्रह छह किस इक्कीस दो तेईस तेईस तीन छब्बीस छब्बीस एक सत्ताईस यानी कि टोटल जो है सताइस हज़ार रुपये खर्च है तो यहाँ पर जो है मार्जिन आपका कितना बच रहा है तो तीन हज़ार रुपये का कितना का तीन हजार रुपये का कितने पर तीस हजार रुपये पर, पर परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे सौ से गुना करेंगे हल करेंगे तो आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा यहाँ पर से आपका आ जाएगा यहाँ पर से तीन सुन्ना तीन सुन्ना चला गया तीन एक शून्य एक शून्य चला जाएगा तीन से तीन चला गया यानी कि आपका जो है लाभ मार्जिन कितना है तो दस प्रतिशत है और यहाँ पर बोला गया कि जो अगले वर्ष में लाभ मार्जिन होगा वो कितने का होगा बीस प्रतिशत का परि बीस प्रतिशत होगा तो इस या भी जो है दस प्रतिशत है आगामी वित्तीय वर्ष में कितना हो जाएगा बीस प्रतिशत हो जाएगा यानी कि कितना हो रहा है दो गुना हो रहा है यानी कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो सौ प्रतिशत की वृद्धि हो रही है तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पंद्रह यहाँ आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है ग्राफ में यहाँ पर वर्ष के नाम दिए गए है और फर्म का लाभ प्रत्येक वर्ष में दिया गया है और आपसे देखेंगे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए दंड आरख में वर्ष 2010 से 2018 के दौरान किसी कंपनी के लाभ को दर्शाया गया है तो आपसे पूछा गया है यहाँ पर से कि वर्ष जो है दो से दो यहाँ से आपका 2015 से 2017 का औसत लाभ यहाँ पर औसत नाम निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2015 में ग्यारह हजार आठ हजार ग्यारह हजार तो ग्यारह ग्यारह बाईस हजार बाईस आठ तीस हजार तीस हजार ये जो है 2017 से 18 2017 सॉरी 2015 से 17 के बीच जो है कुल जो है फर्म का लाभ कितना है तीस हजार औसत चाहिए तो टोटल कितने साल थे तीन साल से तो क्या करेंगे तीन से भाग कर देंगे तीन से भाग करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा औसत लाभ निकलेगा तो कितना आएगा आपका दस हजार आएगा यानी कि औसत लाभ कितना है दस हजार है यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है कि 2012 के लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है तो 2012 में लाभ कितना था तो आठ हजार लाभ था तो अगर औसत लाभ दस है और आपका दो में जो है लाभ जो है कितना था आठ था तो इससे जो है कितना अधिक है तो दो अधिक है कितना है दो अधिक है कितने से क्योंकि हमें तुलना किससे करना है 2012 के लाभ से तो 2012 का लाभ कितना है आठ हजार है परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे सौ से गुना करेंगे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा दो हजार से आठ हजार काटेंगे कितना बार में चला जाएगा चार बार में या चार से सौ काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा पच्चीस बार में चला जाएगा यानी कि लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट आपका कितना आएगा पच्चीस प्रतिशत आएगा तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सोलह यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक संख्या को तीन भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहला भाग का तीन गुना दूसरे भाग का छः गुना और तीसरे भाग का आठ गुना के बराबर है यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया पहले भाग का पहले भाग का तीन गुना यानी कि पहले भाग का तीन गुना दूसरे भाग का दूसरे भाग का छः गुना और तीसरे भाग का आठ गुना क्या है आपस में बराबर है ये आपसे क्वेश्चन में बोला गया तो इस तरीके का रेशियो में इस तरीके का जब आपका वैल्यू रहे और आपका जो है पहली दूसरी और तीसरी संख्या में यानी कि अनुपात में वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे जब हमें पहली संख्या का वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे इस तीन को नहीं काउंट करेंगे बाकी बची दो संख्या को क्या करेंगे गुना करके लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से आठ छ अड़तालीस आएगा कितना आएगा फोर्टी एट फिर क्या करेंगे आप हमें जो है क्या चाहिए सेकेंड संख्या का वेल्यू चाहिए यूनिट में तो क्या करेंगे छः को नेग्लेक्ट करेंगे और फिर जो है बाकी जो दो संख्या बची है वो गुना करके लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से आठिया चौबीस आएगा फिर आप क्या करेंगे यहाँ पर छः को हटाएंगे फिर आठ को यहाँ पर निगलेट करेंगे फिर बाकी जो दोनों बची संख्या उनको क्या करेंगे गुना करेंगे तो कितना आएगा छिया अठारह आएगा यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात में वेलू आ जाएगा कट रहा है तो काट लेंगे आपका कितना बार में चला जाएगा छिया अड़तालीस छः चौक चौबीस छत्तीया अठारह यानी कि इतना अनुपात में आपका पहली दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात में भेलू आ जाएगा फिर जो है यहां पर आपसे बोला गया है कि पहला भाग जो है कितने रुपये का सोलह सौ रुपये का है यानी कि पहला भाग जो है यूनिट में वैल्यू कितना आठ यूनिट का वैल्यू है कितना है आठ यूनिट का वैल्यू है यानी कि आठ यूनिट बराबर कितना है तो सोलह सौ रुपये आठ यूनिट का वैल्यू कितना है सोलह सौ रुपये तो एक यूनिट का वैल्यू यहाँ पर से कितना हो जाएगा दो सौ रुपये हो जाएगा कितना हो जाएगा दो सौ रुपया हो जाएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरा भाग कितना है तो तीसरा भाग जो है यूनिट में वैल्यू कितना है तो तीन यूनिट है तो अगर एक यूनिट का वैल्यू दो सौ रुपये है तो तीन यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा छ सौ रुपये क्योंकि दो थी या सौ होता है तो छ सौ रुपये आपका क्या हो जाएगा तीसरे भाग का वैल्यू होगा तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सत्रह यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए जो है किसी कार को छियानवे दिनों में पूरा कर सकता है बी जो है ए से तीन गुना कुशल है ए ने जो है चौबीस दिनों तक अकेले कार्य किया जिसके बाद बी जो है उससे जुड़ गया बे एक साथ मिलकर शेष कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इस लाइन में बोला गया कि बी की जो कार क्षमता है यानी कि ए और बी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो यहाँ पर बोला गया कि बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से क्या है तीन गुना है तो ए अगर एक यूनिट की कार्य क्षमता तो बी कितना हो जाएगा तीन यूनिट यानी कि ए और बी की इफिशियंसी की कार्य क्षमता उनका अनुपात कितना आ गया तो का अनुपात तीन आ गया यानी कि ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है एक अनुपात तीन है तो यहाँ पर जो है बोला गया है, मैं आपको काफ़ी बार बोल चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है इफ़ीशियंसी इंटू टाइम यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय होता है या फिर समय बराबर आप बोल सकते हैं कि टोटल वर्क बाई इफीसेंसी होता है तो ये दोनों फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा टाइम एंड वर्क में इन दोनों फार्मूला से एक आपका और एम डी एच फार्मूला होता है तीन फार्मूले होते हैं जो कि आप उससे सारा मैथ जो है आपका टाइम एंड वर्क का हल कर सकते हैं बाकी आपको कुछ और जाने की ज़रूरत नहीं होती है तो यहां पर क्या करेंगे हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे टोटल वर्क यानी कि कुल कार निकालेंगे तो यहां पर जो है कुल कार निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बोला गया कि ए जो है किसी काम को छियानवे दिनों में कर सकता है और ए की कार क्षमता यहाँ पर कितनी है एक यूनिट है तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा यहाँ पर से तो इफिशियंसी इनटू टाइम होता है तो ए अगर ए की कार क्षमता से छियानवे दिनों में काम करता है तो टोटल काम कितना हो जाएगा छियानवे यानी कि दोनों को मिलकर कितना काम करना छियानवे काम करना लेकिन यहां पर बोला गया कि ए ने जो है काम को शुरुआत किया और चौबीस दिनों तक किया तो अगर ए एक दिन में एक काम करेगा तो चौबीस दिन में कितना काम करेगा चौबीस काम करेगा ए अगर एक दिन में एक काम करेगा तो चौबीस दिन में चौबीस काम करेगा तो टोटल काम छियानवे काम करना चौबीस काम ए के द्वारा चौबीस दिनों में कर दिया गया तो बचा हुआ काम कितना है छियानवे मैंने चौबीस करेंगे तो बहत्तर यानी कि बहत्तर काम अभी भी बचा हुआ है जो कि अब क्या करेगा ए और बी दोनों मिलकर करेंगे जो बचा हुआ शेष काम है वो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो टोटल काम करना कितना अब है बहत्तर तो समय बराबर क्या बताया गया कुल कार बटा कुल कार क्षमता होता है तो टोटल काम बचा हुआ बहत्तर है कुल मिलाकर करेगा कितने की कार्य क्षमता से तीन एक चार की कार्य क्षमता से हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा तो हल कर लेते हैं आपका कितना आ जाएगा अठारह चौक बहत्तर यानी कि दोनों मिलकर जो है शेष काम को अठारह दिनों में पूरा कर लेंगे तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर अठारह यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी गोले और और किसी लंब वृत्तीय बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है क्या है समान है तो और आगे दिया गया कि गोला और बेलन की त्रिज्या क्रमशः इक्कीस सेंटीमीटर और चौदह सेंटीमीटर है तो बेलन की ऊंचाई यानी कि हाइट क्या होगी ये आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है फोर बाई थ्री पाई आर क्यू होता है तो ये फार्मूला आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये आपका गोले का आयतन का फार्मूला हो गया फिर आपको बेलन का भी आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का फार्मूला आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर यच क्या होता है पाई आर स्क्वायर यच तो यहाँ पर मैंसोरेशन में आप बिना फार्मूला के मैथ नहीं बना सकते हैं तो फार्मूला नेसेसरी है मेन्सोरेशन में याद करने के लिए तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे वेलू पुट करेंगे आसान सा क्वेश्चन है हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा तो यहाँ पर जो है गो, गोला का जो है वॉल्यूम कितना है फोर बाई थ्री पाई आर यानी कि गोली की त्रिज्या यहाँ पर कितनी दी गई है गोला है गोला का त्रिज्या यहाँ पर 21 सेंटीमीटर दिया गया तो 21 सेंटीमीटर का क्या करना है आर क्यूब यानी कि इक्कीस का क्यूब करना है तो क्या करेंगे इक्कीस इंटू इक्कीस इंटू इक्कीस फिर जो है बेलन का आयतन बेलन का आयतन आपका क्या हो जाएगा पाई त्रिज्या जो है यहाँ पर बेलन की कितनी दी गई है चौदह सेंटीमीटर दी गई है तो उसका क्या करना आर स्क्वायर करना तो टू चौदह इंटू चौदह करेंगे हाइट हमें निकालना है तो टू हाँ। यच से डिनोट कर देंगे आप दोनों का आयतन क्या है बराबर है तो बराबर का साइन दे देंगे हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा पाई से पाई आपका क्या होगा चला गया फिर यहाँ पर काटेंगे तो तीन सतस सात दुनी आपका चौदह यहाँ पर से काटेंगे तो सात दुनी चौदह सात ती आपका हो जाएगा इक्कीस दो दुनी चार से चार आपका, चला गया। तो बराबर आपका कितना आ जाएगा इक्कीस तिरसठ सेंटीमीटर क्या आ जाएगी बेलन की ऊंचाई आ जाएगी तो यहाँ पर बेलन का जो है आपका ऊंचाई कितना हो जाएगा तिरसठ सेंटीमीटर होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर उन्नीस यहाँ पर जो ये आपका क्या है ग्राफ का क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन में दिए गए कि नीचे दिए गए दंड आरेख में वर्ष 2011 से 2018 के दौरान किसी बड़े फर्म में गेहूं उत्पादन को दर्शाया गया है अवधि के औसत उत्पादन की तुलना में दिए गए कितने वर्षों में गेहूं जो उत्पादन अधिक है यानी कि ये जो है आठ सालों में ग्यारह से अठारह तक रहा है तो इन जो है आठ सालों में जितना भी उत्पादन किया गया उसके औसत उत्पादन से किस किस वर्ष में यानी कि टोटल कितने वर्ष में औसत उत्पादन से अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया तो सबसे पहले हमें औसत निकालना होगा औसत निकालने से पहले हमें इनका योग निकालना होगा जो कि टोटल उत्पादन किया गया है तो योग निकालने के लिए पहले क्या करेंगे सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर जोड़ने पर आपका कितना आएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पच्चीस या बीस पैंतालीस यहाँ पर मैं जोड़ते चला जा जाता हूँ तो यहाँ पर आपका दो दो चार हजार चार हजार छः चार दस हजार दस पाँच पंद्रह हज़ार क्योंकि पाँच सौ तो बीस मिनट जुट जाएगा आपका पंद्रह हज़ार पंद्रह छः इक्कीस इक्कीस और आप पाँच आपका छब्बीस छब्बीस आठ चौंतीस चौतीस और सात इकतालीस यानी कि टोटल जो है गेहूं का उत्पादन इकतालीस हज़ार किया गया है हमें औसत चाहिए तो टोटल जो है कितने साल है आठ साल है तो आठ से क्या कर देंगे भाग करेंगे हल करेंगे आपका औसत निकल जाएगा तो आठ बजे चालीस आपका यहाँ पर से कितना बचा है एक दो आठ एक दो बचा आठ दूनी सोलह आठ पच्चीस चालीस यानी कि पाँच हज़ार एक सौ पच्चीस जो है गेहूं का जो है यहाँ पर क्या किया गया है टन में उत्पादन किया गया तो आपका ये आपका एवरेज आ गया हम हमें देखना है कि औसत से अधिक कितने वर्षों में जो है औसत से अधिक गेहूं का उत्पादन किया गया तो यहाँ पर जो है पाँच हज़ार से भी कम है पच्चीस जो है तो ये नहीं हो सकता दो हज़ार नहीं होगा ये आपका पाँच हज़ार एक सौ पच्चीस से अधिक है यानी कि ये होगा ये आपका पैंतालीस है नहीं होगा पैंसठ है ये आपका होगा क्योंकि ये आपका पांच से ज्यादा ये आपका पांच है जो कि 125 कम है तो यह नहीं होगा पचहत्तर होगा 7000 आपका होगा तो टोटल जो है कितने सालों में हो रहा है तो टोटल ऐसे चार साल है जो कि औसत उत्पादन से अधिक है तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बीस आपका क्या है सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है तो हम लोग हल कर लेंगे तो यहां पर आप गुना करेंगे ऑफ का ऑफ का जो है सबसे पहले से आपका सिंप्लीफिकेशन में हल किया जाता है तो यहां पर जो इन दोनों को गुना करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा चौदह दुनिया अट्ठाईस सात को जो है अट्ठाइस से यानी कि अट्ठाईस को सात से भाग करेंगे तो कितना आएगा चार और चार को तीन से गुना करेंगे तो कितना आएगा बारह इसी तरीके से आप परीक्षाओं में भी हल कीजिएगा तो आप आसानी से हल कर पाएंगे सबसे पहले क्या करेंगे चौदह दुनिया अट्ठाईस अट्ठाईस को सात से भाग करेंगे तो चार चार को तीन से गुना करेंगे तो कितना आएगा बारह तो बारह हम लोगों ने देख दिया प्लस चौवालीस को क्या करना है ग्यारह से भाग करना है तो कितना आएगा चार और चार को क्या करना है आठ से गुना करना है तो कितना आएगा आठ चौक बत्तीस आएगा माइनस है तो माइनस दे देंगे आपका क्या है पहले भाग का हल किया जाता है तो नौ को जो है क्या करना है तीन से भाग करना है तो कितना आएगा तीन तीन को क्या करना है बारह से गुना करना है तो कितना आएगा बारह छत्तीस छत्तीस आएगा हल करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहां पर माइनस चार आठ में से माइनस चार गया तो कितना बचेगा बारह में से माइनस चार गया तो आठ बचेगा यानी कि सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने पर आपका कितना आंसर आएगा तो आठ आंसर आएगा तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इक्कीस यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया कितना है आठ सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम कितना है वो आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो फॉर्मूला हो जाता है आपका सिक्स छ गुना भूजा स्क्वायर होता है क्या हो जाता है छ गुना भूजा स्क्वायर होता है ये किसी भी घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो अगर छः गुना साइड स्क्वायर है क्या कर बोल देते साइड स्क्वायर है बराबर कितना आठ है तो यहाँ पर साइड का वैल्यू यहाँ पर से निकाल सकते हो तो आपका कितना आ जाएगा छः से काटेंगे तो चौदह छक चौरासी दो बचा छः चौक चौबीस साइड स्क्वायर बराबर एक है तो साइड बराबर आपका कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर होगा क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट जाएगा अंडर रूट एक सौ का मान होता है मैं काफ़ी बार आपको बोल चुका हूँ कि एक से तीस तक आप हमेशा स्क्वायर याद रखिएगा ये आपको रीजनिंग और मैथ दोनों में मदद करेगी तो एक से तीस तक स्क्वायर और एक से दस तक क्यूब कंपलसरी है और कुछ कुछ जैसे आपका ग्यारह का क्यूब याद रखिएगा बारह का क्यूब आप याद रखिएगा इक्कीस का क्यूब याद रखिएगा इस तरीके की संख्या आपको जो है कंपाउंड इंटरेस्ट में मदद करेगी यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज वाले मैथ में आपको ये इस तरीके का क्यूब मदद करेगी तो एक से तीस तक स्क्वायर एक से दस तक क्यूब और ग्यारह का बारह का और इक्कीस का क्यूब याद जरूर रखिएगा तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो आपका साइड यानी कि इस क्यूब का जो है भुजा की लंबाई कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर आ गई तो अब हमें क्या निकालना है आयतन निकालना है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आयतन का आपका फॉर्मूला हो जाता है भुजा का क्यूब यानी कि साइड का क्यूब होता है तो हमें क्या करना है बारह का क्यूब करना है तो बारह का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा बारह का क्यूब आपका सत्रह सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये आपका क्या हो जाएगा घन का टोटल वॉल्यूम यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो यहाँ पर आपका सॉरी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं टोटल आयतन यानी कि आपका ए, कुल आयतन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही होगा क्षेत्रफल नहीं आयतन क्षेत्रफल तो आपका क्वेश्चन में पहले से दिया गया था तो ये जो है आप तीन चीज़ जरूर याद रखिएगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर बाईस यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी जो है किसी कार्य को सोलह दिनों में कर सकते हैं जबकि ए और बी उसी कार्य को दस दिनों में कर सकती है तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है तो यहाँ पर बोला गया कि जब तीनों मिलकर कार्य करते हैं तब जो है सोलह दिन में कार्य हो जाता है और जब ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो चालीस दिन लगते हैं तो क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले सी तो की इफिशियंसी निकालना होगा तो सी की इफिशियंसी निकालने के लिए क्या करेंगे सोलह चालीस का एल्शियम लेंगे तो आपका कितना आएगा एल्शियम तो यहाँ पर से आपका आ जाएगा चार चार से आपका आठ यानी कि आपका सोलह पच्चीस अस्सी आपका एलसीएम हो जाएगा तो सोलह पच्चीस अस्सी और चालीस दूनी अस्सी यानी कि यहां पर से पता चलता है कि जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में पाँच काम करते हैं जब दोनों मिलकर यानी कि ए और बी मिलकर काम करते हैं तो दो काम करते तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि ये जो है दोनों मिलकर दो काम करते हैं लेकिन जब सी भी उसमें मिल जाता है तो पांच तो तो काम होता है यानी कि सी कितना काम करता है एक दिन में तो पाँच माइनस दो करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा तीन, तीन? यानी कि सी जो है एक दिन में तीन काम करता है तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए सी का समय चाहिए तो टाइम बराबर मैंने इसी वीडियो में बताया कि क्या होता है आपका कुल टोटल काम बटा यानी कि कुल काम बटा कार्य क्षमता होता है तो करना कितना काम है अच्छी काम करना है और सी की कार्य क्षमता कितनी है तीन है हमें जो है सी का ही से तो समय निकालना है तो सी की कार्य क्षमता से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर से छब्बीस ता अठहत्तर यानी कि ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन डेज जो है आपका लगभग आएगा ये आपका सी का समय होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तेईस यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई रेलगाड़ी जो है एक कार से पचास प्रतिशत तेजी से चलता है दोनों जो है एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और तीन सौ साठ किलोमीटर की यात्रा के बाद आपस में मिलते हैं यात्रा के बीच जो है रेलगाड़ी इंजन में खराबी के कारण किसी स्टेशन पर कुछ घंटे के लिए जो है रुक जाती है तो आपसे पूछा जा रहा है कि रेलगाड़ी की गति यानी कि स्पीड कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर बोला गया 50 परसेंट को हम लोग क्या करेंगे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 50 परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू एक बटा दो होगा यानी कि यहाँ पर से आपसे बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कार की चाल से एक यूनिट अधिक है यानी कि यहाँ पर जो है रेलगाड़ी को आठ से और कार को सी से डिनोट कर देते तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि कार की चाल कितनी है दो यूनिट है और उससे एक यूनिट अधिक किसकी चाल है तो रेलवे यानी कि रेलगाड़ी की चाल है तो ये क्या आ गई रेलगाड़ी और कार की आपकी रेशियो में जो है यूनिट में आपका वेलू आ गया उनके चालों का यहाँ पर क्या मान लेते इसे यक्स मान लेते यहाँ पर यक्स गुना कर देते ताकि आगे इसे कन्फ्यूजन ना हो हल करने पर फिर जो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर समय बराबर आपका क्या हो जाता है यहाँ पर जो है यहाँ पर एक चीज़ आपका छोड़ दिया गया यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन में था कि दोनों एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं तीन सौ साठ किलोमीटर यात्रा पर बारह घंटे बाद आपस में मिलते हैं यहाँ पर जो एक चीज आपका छूट गया था यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर आपका होना चाहिए क्वेश्चन में कि 12 घंटे बाद ये आपका परीक्षाओं में दिया गया था कि 12 घंटे बाद जो है क्या होते तीन किलोमीटर की दूरी पर 12 घंटे बाद भी एक दूसरे से आपस में मिलते हैं तो ये क्वेश्चन में आपका यहाँ पर से छूट गया था, था थोड़ा सा तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया तो यहाँ पर जो आपको यहाँ पर जो आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर समय बराबर जो आपको क्या होता है दूरी बटा चाल होता है क्या होता है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा ये फार्मूला तो यहाँ पर जो है बोला गया कि 360 किलोमीटर दोनों को जो है दोनों कब मिलते हैं 360 किलोमीटर की दूरी पर मिलते हैं और दोनों का जो है जब एक ही दिशा में जब दोनों चलेंगे तो दोनों का चाल ये जो आपका ये स्पीड यानी कि चाल का रेशियो में वैल्यू था तो यहाँ पर जो है दोनों के चाल का जब एक ही दिशा में चलेंगे तो चाल क्या होता है समय बराबर दूरी बटा चाल होता है जब एक ही दिशा में चलते हैं तब चाल क्या होता है घटेगा तो तीन यक्स माइनस दो यक्स यानी कि यक्स हो जाएगा चाल बराबर दोनों जो है कितना समय में मिलते हैं बारह घंटे बाद मिलते हैं. हल करेंगे आपका यक्स का वैलू आ जाएगा तो रेलगाड़ी की गति भी निकाल सकते हैं यहाँ पर से तो हल करेंगे आपका कितना आएगा बारह तीस छत्तीस यानी कि यक्स बराबर आपका तीस किलोमीटर प्रति घंटा आएगा आपसे पूछा क्या जा रहा है रेलगाड़ी की चाल पूछी जा रही है तो अगर यक्स का वैल्यू तीस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा तो तीन यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा तो तीस इंटू तीन करेंगे तो आपका नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ जाएगी किसकी ट्रेन की तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर तीन बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चौबीस यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याएं जो है किसी तीसरी संख्या से क्रमशः अस्सी प्रतिशत और पैंतीस प्रतिशत बढ़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात यानी कि रेशियो कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है बोला गया कि मान लेते पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या जो है खुद में कोई भी संख्या खुद में सौ प्रतिशत होती है यानी कि तीसरी संख्या खुद में कितनी रही होगी सौ प्रतिशत तो यहाँ पर बोला कि तीसरी संख्या से जो तीसरी संख्या जो है उनमें से पहली संख्या क्या है तीसरी संख्या जो है पहली संख्या पहली जो संख्या तीसरी संख्या से क्या है अस्सी प्रतिशत अधिक है यानी कि पहली संख्या कितनी है तो एक सौ अस्सी प्रतिशत है और फिर बोला गया कि दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या से पैंतीस प्रतिशत कि है कितनी हो जाएगी एक सौ पैंतीस प्रतिशत हो जाएगी दोनों का क्या निकालना अनुपात में भेलू निकालना है हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा परसेंट से परसेंट चला गया पांच से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा पांच से यहाँ पर आपका चला जाएगा पांच तीन आठ एक नौ ये आपका नौ से भी काटा तो नौ से ही काट लेते हैं हम लोग नौ दुनिया अठारह नौ, नौ पच्ची पैतालीस पाँच से कट रहा है तो पाँच चौक बीस पाँच पंद्रह यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात में वैल्यू कितना आ जाएगा चार अनुपात तीन आएगा तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल सही होगा देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर पच्चीस यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दो बाइक जो है प्रत्येक की लागत जो है चालीस हजार रुपये है उनमें से एक को जो है अड़तालीस हजार रुपए में बेचा गया दूसरी बाइक को कितने में बेचा जाए कि कुल मिलाकर पच्चीस प्रतिशत का लाभ प्राप्त किया जा सके तो यहाँ पर बोला गया कि दो बाइक प्रत्येक की लागत कितनी है चालीस हज़ार है यानी कि पहले वाली जो बाइक है उसकी भी लागत चालीस हज़ार है और दूसरी वाली जो बाइक है उसकी भी लागत चालीस हज़ार है तो यहाँ पर बोला गया कि पहली वाली और दूसरी वाली को कुल मिलाकर जो लागत है उसी पर जो है कितने का लाभ चाहिए पच्चीस प्रतिशत का लाभ चाहिए कितने प्रतिशत का लाभ चाहिए पच्चीस प्रतिशत का लाभ चाहिए तो कुल मिलाकर क्रय मूल्य कितना है चालीस हज़ार प्लस चालीस हज़ार यानी कि अस्सी हज़ार है कितना अस्सी हज़ार है यानी कि अस्सी हज़ार पर हमें क्या चाहिए पच्चीस प्रतिशत का लाभ चाहिए तो अस्सी हज़ार का पच्चीस प्रतिशत कितना होगा अस्सी हज़ार का पच्चीस प्रतिशत बीस हज़ार होगा यानी कि उसे जो है कुल मिलाकर बीस हज़ार रुपये का प्रॉफिट यानी कि लाभ चाहिए और यहाँ पर बोला गया कि एक कोष ने कितने में बेच दिया अड़तालीस रुपए में बेच दिया एक कोष ने जो है कितने में बेच दिया अड़तालीस हजार अड़तालीस तो नहीं अड़तालीस हज़ार में यानी कि चालीस हजार का सामान अड़तालीस हजार में बेचा तो यहाँ पर लाभ कितने का हुआ तो आठ हज़ार का लाभ हुआ और हमें कुल मिलाकर कितने का लाभ चाहिए बीस हजार का लाभ चाहिए तो अभी एक को बेचने पर आठ हजार का ही लाभ हुआ है हमें कुल मिलाकर बीस हजार का लाभ चाहिए यानी कि दूसरे को कितने के लाभ में बेचना होगा तो बीस हजार लाभ चाहिए आठ हजार अभी तक लाभ मिला है तो बीस माइनस आठ करेंगे तो कितना आएगा आपका बारह हजार यानी कि बारह हज़ार उसे लाभ अभी और कमाना है दूसरा वस्तु को बेचने पर यहाँ पर जोड़ेंगे ये आपका क्या है सी पी है यह आपका क्या है प्रॉफिट है जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा यस पी निकलेगा यानी कि विक्रय मूल्य दूसरे बाइक का तो कितना हो जाएगा आपका चालीस हज़ार प्लस बारह हज़ार यानी कि बावन हज़ार होगा यानी कि दूसरे बाइक का विक्रय मूल्य कितना होगा बावन हज़ार तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा देखेंगे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यह हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके तो इस वीडियो में बस इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद